मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है तुम्हें? रात ही वलीद ने मुझे दिलवाया पूरे 12,000 रुपए का। हारून भाई, कम से कम ये मोटरसाइकिल अब क्यों बदल लें? इट्स अ डेट ट्रिप। हराम की कमाई एक साबुन की तरह होती है जो हाथ से फिसल जाती है। आपके घर में एसी नहीं है क्या? नहीं, एसी तो नहीं है, लेकिन 10-11 सालों में सिवाय तंगदस्ती के आपने दिया क्या? जो कुछ मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ, तुम्हें और अपने बच्चे को खुश करने के लिए। देख मुझसे जिम्मत कर के सारे जेवरात दे दे। कहो ना कि नहीं दूंगी। नहीं चाहिए तुम्हारा 2% का ब्रेसलेट, नहीं चाहिए मामूली सा सामान। दम घुटने लगा मेरा इस घर में, तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी की महरूमियों से। राबिया, बच्चे के सामने तमाशा ना बनाओ। तमाशा? तमाशा तो मैं हूँ, तमाशा मेरा बच्चा है जो इस घर में पैदा हो गया। तमाशा तो हमारी जिंदगी है जो सिसक सिसक के कट रही है। ये भी कोई जिंदगी है? साल में गिनती के 4 जोड़े नसीब होते, ये मर्जी का खा नहीं सकते। नहीं चाहिए तुम्हारे ये मामूली खिलौने और तोहफे। मैंने फैसला कर लिया, जब तुम हमें खुशियां नहीं दे सकते ना, तो मैं भी यहां नहीं रह सकती। राबिया, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे अपना नहीं तो इस मासूम बच्चे का ख्याल कर लो। हाँ, कर लिया मैंने फैसला। मैं लेके जा रही हूँ अपने मैके अपने बच्चे को। जब तुम्हें लगे ना कि तुम हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, हमें खुश रख सकते हो, तो आ जाना लेने। आज के इस नफसा नफसी के दौर में एक माकूल जिंदगी गुजारना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मोहब्बत दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, लेकिन बाज लोगों के नजदीक पैसा आसाइश हर नेमत पर गालिब है। क्या पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है? यही है हमारा आज का सवाल, और इसका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। कहीं पैसे की दौड़ में रिश्ता और एहसास थक तो नहीं जाता? अरे भाई राबिया, जल्दी से नाश्ता लेकर आ जाओ वरना देर हो जाएगी। आज फैक्ट्री में वैसे बहुत काम है भाई। आई लगता है बेगम की नींद पूरी नहीं हुई है। ये कोई नई बात है? ये तो रोज का मामूल बन गया। रात भर गर्मी की वजह से नींद नहीं आती, ऊपर से हर घंटे बाद बिजली चली जाती है, नींद भी पूरी नहीं होती है। ओहो, ऊपर से मैंने जल्दी नाश्ता मांग लिया। अरे भाई, मुझे मालूम होता ना, मैं बाहर से ही कर लेता। सॉरी यार। अरे आपका काम करके तो खुशी होती है, आप और मेरा बेटा ही तो इकलौता है। अब आप लोगों का काम नहीं करूँगी तो किसका करूँगी? हाँ, अलबत्ता अगर नींद पूरी हो जाती ना तो और ज़्यादा खुशी होती। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें शहजादी बना के रखूँ, घर के किसी काम को हाथ ना लगाने दूँ, बस हर वक्त सजी संवरी घर की मलका बनकर रहो। बस बस बस, ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है बादशाह साहब। अब जल्दी जल्दी नाश्ता कीजिए, फिर लेट हो जाएंगे, मुझे बोलेंगे। जो हुक्म मेरी मलका। चले नाश्ता करें, मैं किचन साफ कर लूं। तो दाल मामूल से ज्यादा अच्छी बनी है। टीपू बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे नहीं खाना बाबा, रोज रोज दाल देख के मेरी भूख मर जाती है। नहीं बेटा, खाने को बुरा नहीं कहते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी मुयस्सर नहीं है। खुदा का शुक्र है कि हमें कम से कम पेट भर के खाने को तो मिलता है।
जनाब की जिद थी कि आज पिज्जा खाना। अब मैंने कहा रोज रोज तो पिज्जा नहीं दे सकते ना, संडे को मंगवा दूंगी, लेकिन ये है कि सुनता ही नहीं। मैं रोज फरमाइश तो नहीं करता ना मम्मा, मुझे पता है हम कौन सा अमीर है जो अपनी मर्जी का खा सके। आज जल जा रहा था तो कह दिया। नहीं बेटा, अमीर हो या गरीब, सबका पेट पानी और रोटी से ही भरता है, और वो चाहे रोटी ताजा हो या रात की बासी, बस पेट भरना चाहिए। अच्छा बेगम, मैं एक काम करता हूँ, कल मैं ऑफिस से वापसी पर अपने बेटे के लिए पिज्जा लेकर आऊंगा, फिर हम सब पिज्जा बैठकर खाएंगे और खुद को अमीर सा महसूस करेंगे, ठीक है? अब तो खुश हो ना? जी चलो खाओ, चलो खाओ, शाबाश। हारून एक सफेद पोश लेकिन मेहनती इंसान है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने बीवी बच्चों की खुशी है। वो अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में राबिया जैसी साबरा बीवी का साथ भी है, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान हैं कि कोई फैमिली उनके पड़ोस में आकर उनकी जन्नत को कैसे हिला कर रख देगी। क्या हो गया, भाग के क्यों आ रहे हो? अम्मी अम्मी, हमारे साथ वाले घर में नए लोग आए हैं। अच्छा अम्मी, बहुत बड़ी गाड़ी में आए हैं। कितने लोग हैं? अम्मी 3 लोग आए हैं, अंकल आंटी और एक बच्चा। बच्चा दिखने में मेरे जैसा लगता है, मुझे लगता है वो मेरा दोस्त बन जाएगा। अच्छा जी, अभी वो आए नहीं और दोस्त बन जाएगा, चलो देखते हैं। चल चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पिए। वो टीपू बता रहा था कि पड़ोस में नए लोग आए। हाँ ना, 3 लोग हैं, 2 मियाँ बीवी और 1 उनका बच्चा। बड़े अमीर लोग लग रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी बेगम साहिबा मिलकर भी आ गई और तफसीलात भी लेनी है। आप तो बस मुझे तंग किया करें भाई, अमीर लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि लोगों हम अमीर हैं, उनका पहनना और ना रहन सहन ही पता चल जाता है। गाड़ी में से उतरे, क्या एसी था, इतने महंगे सोफे और टीवी भी इतना बड़ा वाला था, मुझे तो लगा जैसे हमारे साथ वाले घर में कोई नया शोरूम खुल गया। और हाँ, हमारा टीपू बता रहा था कि उनका बेटा है ना साथ, ऐसी फर फर इंग्लिश बोल रहा था, लगता है किसी बड़े स्कूल में पढ़ता है। लगता है हमारी बेगम साहिबा इंप्रेस हो गई है नए पड़ोसियों से। हाँ तो क्यों नहीं होंगी, इसमें गलत क्या बात है। मैंने तो सोच लिया कल खाना पकाऊंगी और उनके लिए लेके जाऊंगी। भाई पड़ोसियों का भी तो कोई हक होता है ना। हाँ भाई, जो तुम्हारा दिल करे। अब बताएं चाय कैसी लगी? तुम्हारी तरह प्यारी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, किससे मिल रहे हैं? हम आपके साथ वाले घर में रहते हैं, आप लोगों के लिए खाना पका के लाए। जी आइए आइए, अंदर से खाइए। हम आपके साथ वाले घर में रहते हैं। जी मैंने अक्सर आपके बेटे को खेलते हुए देखा है गली में। मेरा मुलाजिम बता रहा था कि आप खाना बना कर लाई हो, भला इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा, मैंने सोचा आप लोगों ने घर शिफ्ट किया और किचन सेट करते हुए तो टाइम लगता है, तो मैंने कहा मैं खुद ही खाना पका के ले आऊं। आज तो संडे भी नहीं है और अम्मी ने चिकन मनवाया। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीपू है। टीपू आप ऐसे करें कि साथ के साथ जाके रूम में गेम एंजॉय करें।
अच्छा तो आप एक हाउस वाइफ हैं? जी। सारा दिन घर पे बोर नहीं हो जाती? नहीं, घर का सारा काम करती हूँ, कभी बोर ही नहीं हुई। अच्छा तो काम आप खुद करती हैं, कोई मुलाजमा वगैरह नहीं रखी है आपने? नहीं जी, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, मुलाजमा की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे आप क्या करती हैं? अब तक तो मैं भी एक हाउस वाइफ ही थी, लेकिन घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक डिज़ाइनर्स लॉन निकालूं। वैसे मेरे हस्बैंड वलीद को मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आया। यूँ मैं बिजी भी हो जाऊंगी और वलीद का सरमाया भी डबल हो जाएगा। और वैसे भी बैंक में पैसे कौन से अंडे दे रहे होते हैं हमें। जी बिल्कुल। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी वो मेडिसिन की कंपनी में काम करते हैं। ओ, यानी कि एक फैक्ट्री में मुलाजिम है। महबूब, सिर्फ चाय लेकर आयो? वो बिस्किट्स भी तो लेकर आओ जो मेरी बहन ने दुबई से भेजे। जल्दी से ले आओ वरना चाय ठंडी हो जाएगी। ये आप चाय तो लेना जब तक। तुम नहीं खानी आइसक्रीम? मूड नहीं। अरे क्या हो गया मूड को, मुझे बताओ। कह दिया ना, दिल नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। देखे ना, इतने खतरनाक सवारी पर आपने मासूम बच्चे को बिठाया हुआ है। राबिया तुम ही मना कर दिया करो कि मैं बाइक पर नहीं बैठूंगी। इट्स वेरी रिस्की, बाहर बहुत डेंजरस ट्रैफिक होता है। जो कुछ मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ मैं तुम्हें और अपने बच्चे को खुश करने के लिए। मम्मा पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, मैं लेकर आया हूँ आज घर के लिए आइसक्रीम। आज हम खाने के बाद खाएंगे आइसक्रीम। पापा मुझे अभी खानी है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जितनी आइसक्रीम खानी खा लो, बाकी फ्रिज में रख देना। ये लो। शाबाश, जल्दी से जाओ। हाँ रबिया, तुम नहीं खानी आइसक्रीम? मूड नहीं। अरे क्या हो गया मूड को, मुझे बताओ। कह दिया ना, दिल नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। तो ठीक है, तुम नहीं खाती तो मैं भी नहीं खा रहा। इस वक्त तो आप मेरा दिमाग खा रहे, खाना नहीं खानी। आखिर हुआ क्या है मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। आप कुछ कर सके? आप आज तक तो आपने कुछ किया नहीं, जो अब करेंगे। जाएं देखें लोगों को कैसे वो अपने बीवी बच्चों को खुश रखते हैं, शान से जिंदगी गुजारते हैं उनकी। इन 10-11 सालों में सिवाय तंगदस्ती के आपने दिया क्या है? देना जवाब। मासी तो रख नहीं सकते और मुझे कहते हैं कि मैं घर की मलका हूँ। अरे मलका ऐसी होती है क्या? सारा दिन बर्तन घिस घिस के मेरे हाथ दुलस गए। इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे खाना पका पका के अब तो मेरा दिल भी जलने लगा है। क्या मैं औरत नहीं? मेरा दिल नहीं चाहता क्या मेरा शौहर मुझे ऐश कराए? और पूछते क्या कर सकता हूँ। तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मेरे बस में होगा। बोलो। जोड़ा दिला सकते हैं, मासी रखवा सकते हैं, बड़ी कार में घुमा सकते हैं, शाइस्ता जैसी जिंदगी दे सकते हैं। नहीं ना, तो फिर पूछते क्यों है कि मूड कैसे ठीक करूं? शाइस्ता की पुरासाइश जिंदगी राबिया की महरूमियों को मुसलसल हवा दिए जा रही थी। ऐसे में हारून की मोहब्बत राबिया के सामने शर्मिंदा हो रही थी। वो इसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि जिस घर में दौलत की हवस जगह बना ले वहां से अक्सर मोहब्बत चली जाती है। बच्चों की तो बहुत दोस्ती हो गई है आपस में। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, एक दिन नहीं मिलते ना तो दोनों उदास हो जाते हैं। मेरी तो अल्लाह ने सुन लिया, साथ ने घर से निकलना तो शुरू किया, हर वक्त वरना एक्सबॉक्स लगाकर टीवी के सामने बैठा रहता था। मैंने वलीद को मना भी किया था कि आप इसे एक्सबॉक्स गेम मत दिलवाएं, पूरे 40,000 का गेम है। खैर पैसों की तो हमें कोई परवाह नहीं है, बट बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो अफेक्ट होती हैं। शुक्र है अल्लाह का, मेरा बेटा तो भाग दौड़ करता रहता है, कभी क्रिकेट खेलता है तो कभी बास्केटबॉल, घर में तो टिक कर बैठता ही नहीं है बिल्कुल। खैर
40,000 रुपए का गेम दिलवाना भी कोई आसान बात थोड़ी है जो वो घर पे टिक कर बैठे। अच्छा ये बताएं कि आपकी लोन कब आ रही है? बस अगले चंद माह में आने वाली है। एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो 2-3 हज़ार रुपये वाला जोड़ा तो पहनती नहीं है। अब जब 10-12 हज़ार रुपये वाला जोड़ा बनेगा तो उस पर मेहनत भी तो वैसी होगी ना। मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अल्लाह कामयाब करे। आमीन। अच्छा आप बैठें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आपके घर में एसी नहीं है क्या? नहीं एसी तो नहीं है, पर जल्दी लगवा लूँगी। और हारून को भी कहा है मैंने, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 2-4 महीने में एसी लगवा दूंगा। नहीं फिर चाय भी मैं 2-3 माह के बाद ही पीऊँगी। वो क्या है कि पंखे की गर्म हवा में मुझसे चाय नहीं पी जाएगी। प्लीज़ रहने दो चाय। अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक पी लो। हाँ कोल्ड ड्रिंक ठीक है। अच्छा बैठे मैं लेके आती हूँ। अल्लाह पाक कितना अच्छा होता कि आप मेरी किस्मत भी साइश्ता जैसी लिख देते। जितने पैसे उसके पास हैं अगर उसके आधे पैसे भी मेरे पास होते तो मैं कितनी खुश हो जाती। मेरा बच्चा भी साथ की तरह एक अच्छे स्कूल में जाता। क्यों अल्लाह पाक मुझे इन सब चीज़ों से महरूम रखा? क्यों मुझे गरीब बनाया? क्यों मुझे ऐसी ज़िंदगी दी? I am sorry. किस बात की? उन महरूमी की वजह से जो तुम्हें मेरी वजह से मिली, उन खुशियों के ना मिलने की वजह से जिन्हें तुम डिजर्व करती थी लेकिन मैं ना दे पाया। राबिया यकीन जानो जो कुछ मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ मैं तुम्हें और अपने बच्चे को खुश करने के लिए, मगर मैं ऐसा बेकार नाकाम इंसान हूँ कि चाहकर भी अपनी बीवी को खुश ना कर सका। मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप से भी और तुमसे भी। मैं अपनी खूबसूरत बीवी के लिए सूट लाए, इसे कबूल कर लो और उसे छोड़ दो प्लीज। शाहिसा से मिलकर आने के बाद राबिया शाहिसा का रहन सहन, उसका लिबास, उसका घर बार कुछ भी फरामोश नहीं कर पा रही थी। शायद ये राबिया का एहसास महरूमी था जो सर उठा चुका था। राबिया इस बात से अनजान थी कि एहसास महरूमी का ये तूफान उसका सब कुछ बहाकर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वली साहब। अरे वालेकुम सलाम हारून भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हारून भाई कम से कम ये मोटरसाइकिल अब क्यों बदल लें? इट्स अ डेथ ट्रिप, बैठे आप लोग होते हैं दिल हमारा दहल रहा होता है। वलीद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखे ना इतने खतरनाक सवारी पर आपने मासूम बच्चे को बिठाया हुआ है। राबिया तुम ही मना कर दिया करो कि मैं बाइक पर नहीं बैठूंगी। इट्स वेरी रिस्की, बाहर बहुत डेंजरस ट्रैफिक होता है। मेरा बस चले ना भाभी तो मैं तो बाइक पर बैठने ही ना दूं। अरे हारून भाई मेरी माने तो कार ले लें आप, नई ना सही पुरानी ले लें, 4-5 लाख रुपए में अच्छा मॉडल मिल जाएगा। अरे आप कहें तो मैं दिला देता हूँ,
मेरे 3-4 दोस्त सेकेंड हैंड कार में डील करते हैं। नहीं नहीं शुक्रिया अली साहब, मेरी इस्तेदाद मोटरसाइकिल खरीदने की थी सो मैंने खरीद ली। हाँ कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं कार भी ले लूँगा। अरे जनाब आप किस्तों पर ले लीजिए, थोड़ा सा सूद भरना पड़ेगा लेकिन कार आ जाएगी भाभी और बच्चों के लिए। आपका शुक्रिया वली साहब, वैसे भी मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो अल्लाह को नाराज़ करे, और सूद तो वैसे भी असल को खा जाता है। मेरी हलाल की कमाई है लेकिन थोड़ी सी है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों के घरों के दरवाजे छोटे होते हैं ना उन्हें हाथ ही नहीं पालना चाहिए। मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। अच्छा है कट जाए उसको स्कूल से ना, और हम जैसों को तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, खासतौर पे उन बाप को जो बच्चों की फीस ना भर सके। भाई है तो आर्टिफिशियल, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं अपनी बेगम के लिए सोने के ही बना के दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारा 2 टके का ब्रेसलेट। हारून को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, अगर उसे परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी राबिया की। वो दुनिया से तो लड़ सकता था लेकिन अपनी बीवी की ख्वाहिशात के सामने वो कमजोर पड़ जाता था। ऐसे में जब राबिया ही उसे हकारत से देखने लगी तो उसे अपने रिश्ते के साथ साथ अपना वजूद भी टूटता हुआ महसूस होने लगा। क्या जरूरत थी गली में मेरा और अपना तमाशा बनाने की? मैंने कोई तमाशा नहीं बनाया, मैं झूठ से हूँ और मुझे अपनी असली छुपाने का शौक नहीं किसी से। तो क्या झूठ नहीं बोल सकते थे कि हम कार ले रहे? राबिया प्लीज बच्चों जैसी बातें ना करो, अच्छा खासा मूड लेके घर आ रहे थे कि सारा मूड खराब कर दिया। वलीद और साजिदा बच्चे नहीं है, उन्हें पता है कि आप अपनी गुर्बत छुपाने के लिए अल्लाह तवक्कल बना रहे हैं। और वैसे अगर वो सेकंड हैंड गाड़ी दिला रहे थे तो इसमें हर्जे क्या है? हर्जे बिल्कुल हर्जे, जिन लोगों के घरों के दरवाजे छोटे होते ना उन्हें हाथ ही नहीं पालना चाहिए। मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, जानती हूँ, और अब तो ये भी जान गई हूँ कि मैं और मेरा बच्चा सारी जिंदगी तरसते रहेंगे अपनी जरूरतों के लिए, और अमीर लोगों के सामने गरीब हकीर और छोटे बने रहेंगे गरीब के गरीब। मेरी जितनी हलाल की कमाई है तुम जानती हो, जो कुछ कमाता हूँ तुम्हारे सामने। बताओ कौन से दरख्त से पैसे तोड़ कर लाऊं मैं? मेरा ही कसूर है, मेरा ही नसीब बुरा, मेरा ही मुकद्दर खराब है कि जिससे शादी हुई वो लाचार और बेबस है। देखो राबिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बीवी नहीं मेरी जिंदगी हो। अरे मेरा बस चले तो मैं तुम पे अपनी जान वार दूं। बस तुम अपने से ऊपर लोगों को देखने के बजाय अपने से नीचे लोगों को देखना शुरू कर दो, फिर देखना हम कितने खुश और मुतमईन होंगे। मोहब्बत मैं भी करती हूँ आपसे, पर हकीकत ये है कि मोहब्बत से पेट नहीं भरता, ना ही घर का चूल्हा जलता, ना ही मोहब्बत से आला लिबास और अमीरी दिखाई देती है। मोहब्बत खोखली होती है, जैसे मैं मेरी जिंदगी पैसों के बगैर खोखली है। टीपू की फीस भरने का आखिरी दिन। हाँ मैं कोशिश करता हूँ आज पैसों का बंदोबस्त हो जाए। बंदोबस्त हो जाए क्यों, आपको नहीं पता कि 10 तारीख के टीपू की फीस की? हाँ मुझे पता है, लेकिन इस महीने खर्चे ज्यादा हो गए थे इसलिए उसके पैसे नहीं निकाल सका मैं। अच्छा है कट जाए उसको स्कूल से ना, और हम जैसों को तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, खासतौर पर उन बाप को जो बच्चों की फीस ना भर सके। राबिया तुम बात को इतना क्यों बढ़ाती हो, खुदा का खौफ करो, इतनी नाशुक्री ठीक नहीं, अल्लाह खुश नहीं होता है। अच्छा अच्छा वो साजिदा ने टी पार्टी रखी है, मुझे बुलाया है। हाँ तो ठीक है तुम चली जाना, लेकिन खुदा के वास्ते तुम उससे इतना इम्प्रेस ना हो। देखो अपने हाल से राजी और खुश रहो। जैसी जिंदगी वो गुजारती है ना उसे कोई भी देख के रश खा सकता है, समझे आप?
बुजुर्गों का कहना है कि मर्द का पता औरत की बीमारी में और औरत का पता मर्द की तंगदस्ती में चलता है। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहियों की मानिंद है। अगर एक भी पहिया डगमगा जाए तो फिर गाड़ी का मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। उस दिन पार्टी में मेरी सारी फ्रेंड्स तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई, सब तुम्हारी बहुत तारीफें कर रही थी। अच्छा, और क्या कह रही थी? वो तो हैरान थी कि गरीब लोगों में भी इतने मुहज्जब लोग होते हैं। मैंने कहा अरे वाह, क्यों नहीं, मैंने तो राबिया जैसी खातून आज तक नहीं देखी। वो सब तो मान ही नहीं रही थी, और जब मैंने उन्हें तुम्हारे घर के हालात के बारे में बताया और बताया कि तुम कैसे सब्र शुक्र के साथ गुजारा करती हो, तो वो सब और ज़्यादा इम्प्रेस हो गई तुमसे। अच्छा ये बताओ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। रात ही वलीद ने मुझे दिलवाया पूरे 12,000 रुपए का। मैंने तो बहुत मना किया कि मैं क्या करूंगी, मैं तो नहीं ले रही थी। मैंने कहा पहले ही अलमारी में इतने कीमती सूट भरे हैं, जबरदस्ती उन्होंने दिलवाया। पता है क्या कह रहे थे? क्या कहने लगे? मेरी बीवी भी तो इतनी कीमती है। वलीद बहुत ही केयरिंग और रोमांटिक है, मुझ पर और साद पर तो पैसा पानी की तरह बहाता है। कहते हैं जब मैं कमाता हूँ तो भला खर्च क्यों ना करूँ। ये बात तो है, जैसी आमदनी होगी वैसा खर्चा भी तो होगा। राबिया, टीपू, देखो बेटा ये तुम्हारा तोहफा, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूं। अच्छा भाई बेगम साहब, ले तो रहा था आपके लिए मैं गजरे, लेकिन सोचा उसकी जगह ब्रेसलेट ले लूं। भाई है तो आर्टिफिशियल, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं अपनी बेगम के लिए सोने के ही बना के दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारा 2% का ब्रेसलेट, नहीं चाहिए मामूली सा सामान। दम घुटने लगा मेरा इस घर में, तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी की महरूमियों से। राबिया, बच्चे के सामने तमाशा ना बनाओ। तमाशा? तमाशा तो मैं हूँ, तमाशा मेरा बच्चा है जो इस घर में पैदा हो गया। तमाशा तो हमारी जिंदगी है जो सिसक सिसक के कट रही है। ये भी कोई जिंदगी है? साल में गिनती के 4 जोड़े नसीब होते, ये मर्जी का खा नहीं सकते। नहीं चाहिए तुम्हारे ये मामूली खिलौने और तोहफे। मैंने फैसला कर लिया, जब तुम हमें खुशियां नहीं दे सकते ना, तो मैं भी यहां नहीं रह सकती। राबिया, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे अपना नहीं तो इस मासूम बच्चे का ख्याल कर लो। हाँ कर लिया मैंने फैसला, मैं लेके जा रही हूँ अपने मैके अपने बच्चे को। जब तुम्हें लगे ना कि तुम हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, हमें खुश रख सकते हो, तो आ जाना लेने। मेरा और मेरे बच्चे का भी हक है कि हम अच्छी जिंदगी गुजार सके। नहीं अम्मी, हम अब्बू के साथ इस घर में रहेंगे। जो कहना था ना मैंने कह दिया, अब तुम्हारे बाप पर है इसे हम चाहिए या नहीं। राबिया को शायस्ता की दौलत की चकाचौंध ने अंधा कर दिया था। बदकिस्मती से इस चकाचौंध में उसे हारून की मोहब्बत, घर का सुकून और बच्चों की खुशी तक नजर नहीं आ रही थी। उसके दिल की बेसुकूनी ने घर के सुकून को तबाह कर दिया था। हारून ये सब कुछ जानता था, लेकिन बेबस था, मजबूर था, चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तुम ये घर छोड़ के जा तो रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। प्लीज राबिया, इतना जज्बाती मत बनो, इस घर को जहन्नुम मत बनाओ। मैंने तो हमेशा तुम पर नाज किया कि मेरी बीवी बहुत साबिर है,
हर हाल में खुश रहने वाली। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे आज भी पहले की तरह मोहब्बत करती हो। देखो मेरे मान को मत तोड़ राबिया, काश तुमने अपने ऊपर के लोगों को देखने के बजाय अपने नीचे के लोगों को देखना सीखा होता। काश तुम पहले वाली राबिया बन जाती, मोहब्बत करने वाली, साथ देने वाली। एक बात याद रखना, मैं हमेशा सुरखरू रहूंगा। और देखो तुम ये घर छोड़ के जा तो रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, अपने लिए, बच्चे के लिए। बस अब फैसला तुम्हें करना है। साथ क्या बात है बेटा, इतने घबराए हुए क्यों? मेरे पापा मेरी मम्मा को मार रहे हैं, वो जोर से रो रही है। रो रही है? अच्छा चलो मेरे साथ आओ। मैं तो उससे कब से कह रहा हूँ कि मुझे तेरे सारे जेवरात चाहिए। नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। तुम्हारे इस जुए की लत ने हमारा सब कुछ बिकवा दिया है, अब तुम क्या चाहते हो मैं अपना जेवर बिकने के लिए दे दूं? हाँ? अच्छा जब मैं जुए में जीत कर आता था तो तुझे पैसे आते हुए बहुत अच्छा लगता था ना? अब देख, दे मुझे। कहा ना कि नहीं दूंगी। देख मुझसे दिमाग कर कि सारे जेवरात दे दे। उस दिन राबिया ने जो कुछ देखा उसके बाद ना सिर्फ शायस्ता और वलीद की हकीकत उसके सामने खुली, शायद उसकी अपनी आंखें भी खुल चुकी थी। दौलत की हवस इंसान को जानवर बना देती है। उसे दिल ही दिल में अपना वलीद जैसा नजर आने लगा। दौलत की
बुझाओ ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका गलूर नजर ही नहीं पड़ी। मैं क्या करने चली थी? अल्लाह का एहसान है कि उसने मेरी बर्बाद आगे खोल दी। साहिशा और वलीद की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई। जिस पैसों की तलब ने मुझे बेसकून कर दिया था, आज उसी की हकीकत से मैं मुतमईन हो गई हूँ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे बच्चे को थोड़ा ही सही पर हलाल करने वाला खिलाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। थैंक यू आरू, थैंक यू, थैंक यू। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। रुपया, पैसा, दौलत, ये सब फानी है, सब बेवफा है। आज एक के पास है तो कल दूसरे के पास। हकीकत में अमीर आदमी वो है जिसके पास मोहब्बत है, रिश्तों का एहसास है और बेहतरीन जिंदगी है। आज के दौर में भी अगर किसी से पूछा जाए कि मोहब्बत, पैसा, एहसास पैसे से ज्यादा कीमती हैं, तो हर अक्ल रखने वाले का जवाब होगा कि हाँ, क्योंकि कल भी ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा ही होता है।